Hello everyone, my name is Nandini Mahajan. You are watching Loputra YouTube channel. Today we'll discuss the five top criminal case laws of India. So let's start. First one is Tukaram versus State of Maharashtra 1979. Uh, this case is also called Mathura rape case because the girl here who raped named Mathura. Uh, the judgment of his case is heavily criticized because of his sexist tone. Uh, the Professor Upendra Bakshi, Professor Prof Prof. Raghunath Kelka, Professor Lotika Sekhar, and Professor Vasudha nagar wrote an open letter to Chief Justice uh, to do trial again of this case. द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर मथुरा जो कि 14 से 16 साल की गर्ल थी अपने भाई गामा के साथ रहती थी और वो दोनों ननची के अंदर लेबर थे तो मथुरा अपने काम के लिए ननची के घर आती जाती थी तो इस बीच में एक ननची के सिस्टर का सिस्टर का बेटा जो कि अशोक था मथुरा का उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गया तो दोनों ने शादी करने के लिए सोचा तो जब वो दोनों शादी करने सोच शादी करने के लिए सोचा तो मथुरा के ब्रदर गामा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी कि मेरी सिस्टर का कन्नैप कर, कर लिया है नुनशी और अशोक ने तो जब पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी मथुरा ने अपना लव कन्फेस कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं और इस जब स्टेटमेंट्स दोनों की रिकॉर्ड हो गई तो प, प, पुलिस ऑफिसर ने वो सभी को घर जाने के लिए बोला पर मथुरा को वहीं रुकने के लिए कहा तो इसी बीच जब सब चले गए तो पुलिस ऑफिसर्स जो दो पुलिस ऑफिसर्स थे वो मथुरा को वॉशरूम टॉयलेट में ले गए और उन्होंने मथुरा के साथ रे रेप कमिट कर लिया और जो एक उनमें से एक था वो ड्रिंक था तो इसलिए वो रेप कमिट नहीं कर पाया बट उन्होंने ट्राई किया और डॉक्टर डॉक्टर शास्त्रोकार सा, ने जब मेडिकल चेकअप किया तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि रेप कमिट किया गया है <laughs> फिर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि ये रेप नहीं है और ये कंसेंशुअल इंटरकोर्स है बिको और एक इलॉजिकल रीज़न दिया कि मथुरा तो हैबिचुअल हैबिचुअल थी सेक्स के लिए इसलिए उस वो चिल्लाई नहीं उसने कुछ आवाज़ नहीं दी कि कोई चिल्ला चिल्लाया नहीं उसने मना नहीं किया इसलिए ये कंसेंशुअल इंटरकोर्स है ये रेप नहीं है और जो अक्यूज थे उनको उनको एक्विट कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा तो मथुरा वॉज ईगर टू तो डू सेक्शुअल इंटरकोर्स तो इस जजमेंट के कारण ये काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है जजमेंट की इस टोन के कारण इन वर्ड्स के कारण बट uh, जो कंसेंट है वो तो दो, दो तरह का होता है कि एक पैसिव कमीशन होता है कंसेंट पैसिव कमीशन इज़ लाइक पर्सन जो इन ड्यू टू फेयर ड्यू टू एनी रीज़न अदर रीज़न वो हाँ कर देता है और वो कमिट कर लेता है और कंसेंट होता है जो वॉलेंट्रली अग्री करता है कि वो अग्री है ये काम करने के लिए हाई कोर्ट में इस केस में कन्विट्स uh, को कन्विट्स uh, को एक्यूज uh, को कन्विट कर लिया और बट uh, उन्होंने अपने जजमेंट में जेंटलमैन का वर्ड यूज कर लिया इन कन्विट्स के एक्यूज uh, के लिए सो दैट इज द वर्ड ड्यू टू वर्ड जेंटलमैन ये हाई कोर्ट की भी जजमेंट भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ की गई और सुप्रीम कोर्ट में जब कंसीडर किया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्टी कंसीडर की उन्होंने कहा कि मथुरा की बॉडी पर कोई मार्क ऑफ इंजरी नहीं था तो दैट वॉज नॉट अ रेप एंड डेट वॉज ए कंसेंशल इंटरकोर्स बट उन्होंने ये भी किया कि जब डोर बट डोर तो क्लोज थे तो अगर वो चिलई भी होती तो आवाज़ नहीं आनी आवाज़ आ जानी मतलब आवाज किसी को आनी नहीं थी वो तो अंदर ही रह जानी थी या फिर डर की वजह से वो चलाई नहीं और उसकी आवाज़ इतनी है भी इतनी नहीं होगी कि वो चिलई भी होगी तो उसकी आवाज़ इतनी नहीं होगी कि कोई सुन भी पाए सुप्रीम कोर्ट में ये भी क्वेश्चन रेस किया गया कि जब पुलिस ने सभी को जाने के लिए बोला तो फिर वो मथुरा को वहीं पे छोड़ के क्यों गए कि कोई भी क्वेश्चन उन्होंने पुलिस से पुट नहीं किया कि वो उसको अकेले वहाँ पे क्यों छोड़ के जाना चाह जा, जा रहे हैं सो so, इस केस में सेक्शन 75 फाइव ऑफ सेवेंटी फाइव सेक्शन थर्ट थ्री ऑफ आई पी सी कंसिडर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अक्यूज को जो दो अक्यूज़ थे ऑफेंडर्स उनको इक्विट कर दिया और ये कहते हुए कि ये तो पीसफुल ऑफेंस है ये तो पीसफुल अफेयर है आ, इस, कोई रेप कमिट नहीं हुआ तो ड्यू टू तो डीज ड्यू टू तो डीज वर्ड्स ड्यू टू तो डी दी, दिस जजमेंट ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ की गई और इसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी अनरेस्ट हो गया अनरेस्ट क्रिएट हो गया और बट आफ्टर द ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस कोई रिट्रायल इसके लिए नहीं अटैम्प्ट किया गया बट कुछ अमेंडमेंट जरूर की गई जैसे जैसे कि सेक्शन वन वन फोर ए एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया जिसमें कहा जाता है कि अगर विक्टिम एग्री नहीं है किसी बात के लिए तो ऐसा ही माना जाएगा कि वो ना ही कर रहा है वो कंसेंट नहीं देना चाहता और पनिशमेंट सात साल से कम नहीं होनी चाहिए रेप केस में और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जो विक्टिम है उसके ऊपर नहीं वो अक्यूज के ऊपर होना चाहिए ऑफेंडर के ऊपर होना चाहिए कि उसको प्रूफ करना प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है और जो विक्टिम की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और जो भी प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा होगी नेक्स्ट केस है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 इस केस पे तो मूवी भी बनी है ये एक पी फाइल की थी लक्ष्मी के द्वारा जो कि एक एसिड अटैक विक्टिम थी तो इस केस में था कि लक्ष्मी जो कि पंद्रह साल की गर्ल थी उसके ऊपर वो एक बुटीक में वर्क करती थी और साथ में स्टडीज करती थी तो एक गुड्डू जो पर्सन जिसको नईम खान भी कहा जाता है कहा जाता था तो उसने उस, उसके फेस पे एसिड थ्रो कर दिया जिसकी वजह से उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट आईसाइट का लॉस हो गया और उसके फेस भी काफ़ी खराब हो गया बर्ंड हो गया और काफ़ी सर्जरी उसके बाद भी वो नहीं सही हो पाया करेक्ट बिल्कुल सही नहीं हो पाया तो इस वजह से उसने काफ़ी मेंटल ट्रॉमा सफर किया तो आगे बाकी ल, गर्ल्स के साथ बाकी लड़कियों के साथ ऐसा ना हो इस रीजन की वजह से उसने एसिड अटैक एसिड के बैन एसिड पे बैन के लिए पी आई एल फैल की कि एसिड पर बैन किया जाना चाहिए और दो में पी फैल की गई थी और उससे पहले वो 2013 तक वो एक सोशल एक्टिविटीज़ बन गई थी जब उसके साथ उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ तो उसके बाद वो सोशल एक्टिविस्ट बन गई थी ताकि किसी के साथ भी कोई अगर कोई ऐसा कोई बुरा होता है तो वो उनकी हेल्प कर सके और उसने कैंपेन भी स्टार्ट किया था स्टॉप सेल एसिड जिसका मेन मेन जिसका मेन मकसद था कि एसिड जो एसिड है उसके नॉर्मल जो उसकी नॉर्मल सेल होती है कोई भी जाके ले सकता है उसको बंद करना चाहिए उसको बैन करना चाहिए और इस उसने ती अपनी तीन कंडीशंस रखी थी अपने पीआईएल में कि ऐसा होना चाहिए उसने कहा था कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग है एसिड की मार्केट में वो बंद की जानी चाहिए और आई सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाई जानी चाहिए और एडिक्वेट कंपनसेशन्स और रिहैबिलिटेशंस दी जानी चाहिए जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उनकी पीआईएल को कंसीडर किया और काफ़ी अमेंडमेंट्स और काफ़ी चेंजेस लाए और उन्होंने बायर्स एंड सेलर्स के लिए काफ़ी गाइडलाइंस भी दी जैसे कि एसिड नॉर्मली माइनस को सोल्व नहीं किया जाएगा और जो बायर है जो अगर कोई एसिड परचेस करने आया है उसको अपना आइडेंटिटी शो करना पड़ेगा अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा सेलर को अपनी पूरी डिटेल्स पूरी डिटेल्स पुलिस स्टेशन में तीन दिन के अंदर देनी पड़ेगी कि उसने कितना एसिड सेल किया है सेल की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी शो करनी पड़ेगी और उसको स्टेटमेंट्स अपनी स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक उसके पास कितना स्टॉक है कितना एसिड अवेलेबल है कितना सेल किया है ये सारा उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को विद इन फिफ्टीन डेज में प्रोवाइड करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा और एस के पास पावर दी गई है कि वो पाँच हज़ार तक का फाइन इम्पोज कर सकता है अगर कोई सेलर जो है वो अपनी रिपोर्ट या अपना कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है और थर्ड डिविजनल मैजिस्ट्रेट को पंद्रह दिनों के अंदर अंदर और इंस्टीट्यूशंस को भी ऐसी गाइडलाइंस दी गई है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे एसिड्स वगैरह लैब्स में यूज़ होते हैं वहाँ पे कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए कि वहाँ पे कितना एसिड यूज़ हो रहा है और उनको ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को सारा रजिस्टर का फाइल करवाना दिखाना पड़ेगा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा फाइल करवाना पड़ेगा और पर्सन जो इसको यूज कर रहा है जो, जो लैब का हेड है वो उसके वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी एसिड की और क्योंकि वो अच्छे से सेफ सेफ़ कीपिंग है अच्छे से रखा गया है अच्छे से स्टोर किया गया है और उस, जो एसिड है वो एक उस पर्सन के सुपरविजन में रखा जाना चाहिए और वहाँ पे चेकिंग टाइम टू तो टाइम की जानी चाहिए जब भी वो आए और जब भी वो लैब को छोड़े तो इस केस में आईपीसी में 326 एंड 326 ए एंड 326 बी ऐड किया गया 326 इज रिगार्डिंग द एक्चुअल ऑफेंस पनिशेबल की एसिड जो एसिड के ऑफेंडर्स हैं उनके लिए उनका ऑफेंस जो उन्होंने एक्ट किया है वो ऑफेंस ही बनाया गया और 326 इज अटेम्प्ट क्योंकि उन्होंने ऐसा एसिड किसी पे एसिड फेंकने का ट्राई किया है ये आ, तो एंड थ्री सेवेंटी थ्री फिफ्टी सेवन एंड थ्री फिफ्टी सेवन बी ऐड किया गया सी आर पी सी में ये है कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन देनी चाहिए तो इस, उसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स उनको कॉम्पन टाइम टू टाइम कॉम्पनसेशन लानी चाहिए कि जो भी एसिड अटैक विक्टीम्स हैं उनके उनको रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन की स्कीम्स टाइम टू टाइम लानी चाहिए नेक्स्ट केस है जेसिका लाल मर्द केस इस केस पे तो मूवी भी बनी है नो वन किल जेसिका तो इस केस का नाम है मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ फैंसिटी डेली टू थाउजेंड सेवन तो इस ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है इसमें है कि मनु शर्मा जो कि एक पॉलिटिशियन पौलि, पौलि, का बेटा है उसने एक बार को जब उसने उसे बार ने उसे ड्रिंक देने से मना किया क्योंकि बार क्लोज हो गया था इस रीज़न की वजह से उसने एगिटेटेड होके बार को

उसको पैसे ऑफर करने के बाद भी जसिका ने उसको ड्रिंक देने से मना कर दिया तो इस वजह से मनु शर्मा काफी गुस्सा हो गया तो उसने गोली चला उसने गन निकाल के जसिका के ऊपर गोली चला दी उसने एक्चुअली वो जो गोली थी उसको दराने के लिए चलानी थी बट वो उसके वो उसको लग गई और उसी वजह से जसिका की उसी टाइम पे डेथ हो गई तो मनु शर्मा तो भाग बा, गया वहां बा, वहां से उसी टाइम पे तो जब वहाँ पे पार्टी में मोर देन हंड्रेड पीपल थे तीन सौ के आसपास लोग थे उन सभी ने मनीष शर्मा को वहाँ से भागते हुए देखा बट जो पॉलिटिकल प्रेशर था इस रीज़न की वजह से सभी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली सिर्फ एक पर्सन था जो जसिका का फ्रेंड था सिर्फ उसकी स्टेट, उसने ही अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं की कि जसिका के ऊपर मनु शर्मा ने गोली चलाई है और वो वहाँ से भाग गया बाकी सभी ने अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर ली थी चेंज कर ली थी तो बट ऐसा है कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उन्होंने तो मनु शर्मा को एक्विट कर दिया कि मनु शर्मा अः ओफेंडर नहीं है फिर हाई कोर्ट में जब अपील गई गई तो हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को कन्विक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी अपील्स डालने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम नहीं किया तो इस केस में ये केस इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है कि बिकॉज इस केस में हमें श्योरिटी मिलती है कि जस्टिस चाहे दिले लेट मिले बट मिलता ज़रूर है और काफ़ी मतलब सभी ने जब अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर ली थी कोई भी विटनेस नहीं था फिर भी फिर भी जेसिका को जस्टिस दिया दिलाया गया और जब ये था ड्यू टू पब्लिक प्रेशर कि जब ऐसा हुआ ना जब डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट ने अपना कर लिया ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मनु शर्मा एक्यूज एक नहीं है उन्होंने उसको छोड़ दिया तो एक न्यूज चैनल है टहल का उन्होंने काफी अपने स्टिंग ऑपरेशन की है काफी उन्होंने इंक्वायरी की ऑपरेशन की है तो उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन ली और दिखाई लोगों को तो पब्लिक काफी इस वजह से पब्लिक का अवेयरनेस काफी बढ़ा तो सभी ने जस जसिका को जस्टिस दिलाने के लिए काफी कोशिश की काफी मतलब कि उन्होंने अटैम्प्ट किए ताकि जेसिका को जस्टिस सर्व किया जा सके सो लास्ट हाई कोर्ट ने लास्ट में मनु शर्मा और उसके फ्रेंड्स को कन्विक्ट uh, उनको कन्विक्ट कर ली ही लिया और मनु शर्मा को लाइफ इन प्रिजन लाइफ इन प्रिजन में दी गई मर्डर के लिए एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उसके फ्रेंड्स को भी पनिशमेंट दी गई साथ में ही सो so, इस केस में काफ़ी एविडेंस नहीं थे कोई भी विटनेस नहीं था फिर भी जस्टिस दिया गया तो ये हमें अपने हमें अपनी जुडिशरी पे विश्वास दिलाता है कि जस्टिस मिलता जरूर है चाहे थोड़ी लेट जस्टिस डिले मिलेगा पर इनजस्टिस कभी नहीं होगा नेक्स्ट केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 uh, इस केस में नालसा डेट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पूज्य माता नसीब कौरजी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एंड एंड रिनोन हिजरा एक्टिविटीज डेटी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इन तीनों ने पटिशन फाइल की गई थी जो थर्ड जेंडर है उनके राइट्स के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए सोसाइटी में तो इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को एक एक्चुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड की और कहा कि जो थर्ड जेंडर है उन थर्ड जेंडर है उन्हें भी नॉर्मल जो मेल फीमेल है जो नॉर्मल पर्सन है उनके अकॉर्डिंगली ही उनको ये सभी राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके लिए जो भी उनके सेफ्टी के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी होगा उनको उनकी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सभी को जो राइट सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं उनको भी वही राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन्होंने स्टेट और सेंटर को डायरेक्ट किया कि वो स्पेशल उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए स्कीम्स लाए और जो उनके जैसे वॉशरूम्स वगैरह हैं उनके लिए स्पेशल वॉशरूम्स क्रिएट किए जाए और उनकी वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनकी सोसाइटी में उनके डिग्निटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हो सके वो करें तो इसलिए ये केस ही है ना बिकॉज इस केस में थर्ड जेंडर को अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी और उनके सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए नेक्स्ट केस है स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा 2017 इस इस केस को अवन क्ले केस नैना सानी केस या खान केस भी कहा जाता है बिकॉज इस केस में सुशील शर्मा ने अपनी वाइफ नैना सानी को तंदूर में जला के उसको मार दिया था तो, इस केस में इफैक्ट्स ये है कि नैना सानी और सुशील शर्मा दोनों रिलीव इन रिलेशनशिप में रहते थे और सुशील शर्मा एक बहुत ही प्रोसेसिव लवर था एक बार ऐसा हुआ कि सुशील शर्मा जब घर आ रहा था तो उसने अपनी वाइफ को फ़ोन पे बात करते हुए देखा और उसको देखते हुए उसकी वाइफ ने फ़ोन काट दिया और सुशील शर्मा को लगा कि फोन पर वो किसी लड़के के साथ बात कर रही है तो इस वजह से दोनों के बीच कुछ बहस हुई जब सुशील शर्मा वापस बाहर आ गया तो उसको एक आवाज़ आई बहुत जोर से तो जब वो रूम में गया तो उसने वहाँ पर उसको लेटर मिला कि उसकी वाइफ ने सुसाइड अटैम्प्ट

और ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को डेथ सेंटेंस दे दिया और जब सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट में अपील की तो उन्होंने उसकी अपील रिजेक्ट कर दी एंड सुप्रीम कोर्ट पे अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया बिकॉज जो एक्ट किया था तो सुशील शर्मा ने वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं था इसलिए उसको डेथ सेंटेंस ने वो उन एक दोनों के अफेयर्स म्यूचुअल अफेयर्स दोनों हस्बैंड वाइफ स्पाउस के uh, उनके बीच में जो फाइट हुई उस रीजन के वजह से था वो अगेंस्ट स्टेट नहीं था इस रीजन इस रीजन से Uh, सुशील शर्मा की जो डेथ सेंटेंस वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी गई सो डैट्स ऑल अबाउट द टॉप फाइव इम्पोर्टेंट क्रिमिनल केसेस ऑफ इंडिया इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डैन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द लॉट्यूब यूट्यूब चैनल थैंक यू